नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव, मैं हूं वरुणेंद्र। एक सवाल का जवाब दीजिए, पूरा खबर आप देखते रहिएगा कि क्या अगर आप आंख बंद कर लेते हैं अपनी, अगर अपनी आंख आप बंद कर लेते हैं तो पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है क्या? ऐसा होता भी है? आप आंख बंद कर लिए इसका पूरी दुनिया में अंधेरा हो गया? सोचिएगा। अब हम खबर को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने एक खबर आपके सामने इसी प्लेटफॉर्म पर परोसा था और वो खबर ये थी कि नवादा जिले के पकरी बारामा थाना की पुलिस एक महिला को गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेती है, जो भी है, और उस दौरान उसके साथ धक्का मुक्की करती है, और जब उसका विरोध कुछ महिलाओं के द्वारा किया जाता है तो दूसरी महिलाओं के साथ भी अब शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और कल हमने जिस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था आज वो भी कर देते हैं, गाली गलौच भी किया गया था। दरअसल यूट्यूब वगैरह पे भी कोई खबरें लोड होती है तो उसकी भी एक अपना गाइडलाइन है, एक मर्यादा है, उसका हम लोग उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। इसलिए उस शब्द को, जो गाली गलौच की जो भाषा थी पुलिस वाले की उस महिला के साथ, उसके आवाज को हमने डाउन कर दिया था, म्यूट कर दिया था उस दौरान। खैर, बात आगे बढ़ाते हैं। हुआ क्या कि वो खबर जब प्रसारित हुई उसके बाद आज नवादा पुलिस की ओर से एक आधिकारिक संस्करण आया है, सीधे तौर पे कहिए कि कंट्राडिक्शन का, खंडन का। पुलिस का अपना तर्क है, पुलिस का कहना है कि कुछ मीडिया चैनलों एवं यूट्यूब द्वारा महिला के साथ बर्बरता, महिला सिपाही की अनुपस्थिति में गिरफ्तारी की खबर चलाई गई, यह खबर गलत, भ्रामक है। मुख्य रूप से बाकी कहानी हम आपको और बताएंगे, लेकिन ये कंट्राडिक्शन का मूल पाठ था। तो सबसे पहले तो बर्बरता शब्द का इस्तेमाल मैंने तो अपने खबर में नहीं किया था, अमानवीयता शब्द का किया था, गैर कानूनी काम तो हुआ था वहां पे। इस बात को पुलिस एक्सेप्ट करे या न करे अपने जगह पे है, आमतौर पे पुलिस एक्सेप्ट करती भी नहीं है। पुलिस ने कहा है, पुलिस का कहना है कि मोटा मोटी तौर पे आपको बता दें, वो कांड संख्या 488 2024 है, धारा लगाया गया है 126 क्लाउज 2, 115 क्लाउज 2, 109, 352 क्लाउज 5, डेटेड 29/10/2024। स्टेशन डायरी में कांड की एंट्री बताई जाती है, सूचना 10:45 बजे, और थाना को भी सूचना 10:45 बजे बताया जाता है। घटनास्थल की दूरी 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम बताया जाता है। सूचक मंजू देवी हैं, पति नकुल चौरसिया। कांड का मोटा मोटी नटसल ये है कि मंजू देवी का कहना है कि सुबह 6 बजे हम अपने घर के पास झाड़ू बहारू दे रहे थे, उसी दौरान ये गणेश पासवान और उसके परिवार के लोग, संभवतः सुबह 6 बजे घर के बाहर झाड़ू दे रही थी, पासवान टोला के कुछ लोग घर पर आए, चढ़कर गाली गलौज किया, विरोध किया, तब पति नकुल चौरसिया को भरवे हथियार से लैस होकर पहुंचे लोगों ने मारपीट शुरू कर दिया, माथा फूटा, शरीर का हड्डी चूर चूर कर दिया, पैर भी तोड़ा। खैर, क्या क्या हुआ जख्म उससे, वो तो इंजुरी बताएगा डॉक्टर का जख्म प्रतिवेदन। इस कांड का की प्राथमिकी दर्ज होती है, दीपक कुमार राव को अनुसंधान दिया जाता है, सब इंस्पेक्टर है दीपक कुमार राव। 29/10/2024 की यह घटना बताई जाती है। पुलिस के द्वारा जो अब इस पूरे कहानी का, जो हमारी खबर थी उस पर जो पुलिस का पक्ष, या कहिए कि आधिकारिक संस्करण, या कहिए कंट्राडिक्शन जो दिया गया है, उसमें यह कहा गया है कि 29/10 की सुबह 8 बजे डायल 112 पुलिस को एवं थाना को सूचना मिली कि गुड्डू चौरसिया के घर पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट एवं पत्थरबाजी की जा रही है। FIR में पत्थरबाजी का जिक्र कहीं नहीं किया गया है, मंजू चौरसिया द्वारा संभवतः। खैर, त्वरित कार्रवाई करते हुए गश्ती दल एवं डायल 112 की पुलिस पदाधिकारी सहित महिला सिपाही 804 गुंजन कुमारी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस का कहना है जो सफाई में दिया गया है, पूछताछ में पता चला कि गणेश पासवान, नगेश्वर पासवान, पटाखा जलाने का विवाद कुछ दिनों पहले पूर्व में हुआ था, जिसमें गुड्डू चौरसिया के परिजनों द्वारा FIR 245/2024 दिनांक 5/6/2024 दर्ज कराया गया था। उक्त कांड में गणेश, नागेश्वर और पवन कुमार का जमानत
कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है। दबाव डालने के लिए मतलब केस में कंप्रोमाइज, पुराने केस में कंप्रोमाइज के लिए दबाव डालने की नियत से हमला किया गया, मारपीट किया गया। इस कांड में पीड़ित मंजू देवी के बयान पर FIR दर्ज किया गया। घर पर छापामारी करके केदार पासवान और पातो देवी और प्रमिला देवी को गिरफ्तार किया गया। गणेश और उसके परिजन आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। देखिए पुलिस कह रही है गणेश पासवान और उसके परिजन आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। पकरी बरमा थाना में आर्म्स एक्ट, ठगी, मारपीट, हत्या का प्रयास जैसे मामले दर्ज हैं। कुछ मीडिया चैनलों में यूट्यूबर द्वारा महिला के साथ बर्बरता, महिला सिपाही की अनुपस्थिति में गिरफ्तारी की जा रही है, यह खबर गलत और भ्रामक है। यही पुलिस की ओर से सफाई आई है। हम इस मामले में ये एक दो सवाल करना चाहते हैं कि पहली बात कि महिला की साथ के साथ बर्बरता नहीं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग आप लोगों ने किया है, उसका CCTV फुटेज है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई के दौरान महिला पुलिस थी। भैया जब महिला पुलिस थी तो CCTV फुटेज में क्यों नहीं दिख रही है? जब महिला पुलिस थी तो धक्का देने की जरूरत पुरुष पुलिसकर्मी की को क्या पड़ गया था? महिला पुलिसकर्मी ही उससे निपट लेती। गाली गलौज करने की जरूरत जेंट्स पुलिसकर्मी को क्यों पड़ी? इसका कोई जवाब आपके सफाई में नहीं है। आधिकारिक संस्करण जो दिया गया है कंट्राडिक्शन का, स्पष्ट किया जाना चाहिए था इसमें। तीसरी बात कि आप कह रहे हैं कि करीब 8 बजे सूचना मिली घटना की, जबकि जो CCTV फुटेज है जो मेरे पास आया है वो दिख रहा है कि जिस समय वो महिला को धक्का दिया जा रहा है, महिला वहां से को आगे बढ़ाया जा रहा है कि ले चलो चलना होगा, या महिला के साथ गाली गलौज किया जा रहा है, वो 7:30 से 7:35 के बीच का घटनाक्रम है। 7:30 और 8 बजे में फर्क होता है साहब। जब आप सफाई भी देते हैं तो कम से कम वर्कआउट तो हो जाना चाहिए सही से। अब पता नहीं, एक बात हमें यह समझ में आते नहीं कि ये सारी बात जो आधिकारिक संस्करण जो जारी किया जाता है, वरीय पदाधिकारियों का कंसेंट इसमें होता है नहीं होता है? अगली बार जब हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब SP साहब से हम मिलेंगे तो निश्चित तौर पर यह सवाल हम जरूर करेंगे कि जो भी आधिकारिक संस्करण जारी किया जाता है ये सब मामलों में पुलिस की ओर से, तो क्या उसमें आपकी भी अनुमति होती है या आप भी उसको देखते हैं एक नज़र या नहीं देखते हैं, कोई वर्कआउट किया जाता है कि नहीं किया जाता है? हमारा सवाल, गणेश पासवान और उसका परिवार का लोग अपराधी है क्या है नहीं है, पुलिस अपनी काम करेगी उस पर हमारा कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अंततः तो जस्टिस होता है कोर्ट में जा करके। आप FIR कीजिएगा, पीड़ित FIR करेंगे, पुलिस का काम है अनुसंधान करना, उसमें कोई क्यों व्यवधान डालेगा? अगर जख्म है तो जख्म प्रतिवेदन देने का काम चिकित्सकों का है, उसमें मीडिया का काम क्या होता है? मीडिया का काम जो फैक्ट्स आता है, जो कुछ लगता है या कोई लगता है कि कोई व्यक्ति की हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है तो उस बात को सार्वजनिक रूप से प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया जाता है। कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति SP से जाकर मिलने, IG से जाकर मिलने, DGP से जाकर मिलने, संभव नहीं होता है अगर नीचे लेवल पर इंसाफ नहीं मिलता है। यही बात तो हम लोग रखते हैं बार बार, इस मामले में भी कमोबेश वही है। हमारा सवाल, उन लोगों ने अपराध किया है मंजू चौरसिया के साथ, मंजू देवी के साथ, उनके पति नकुल चौरसिया के साथ, या उसके पहले उनके परिवार के कोई गुड्डू चौरसिया के साथ, उसका मामला आप लोग पुलिस वाले के पास है, पुलिस वाले जांच कीजिए। कोर्ट में मामला है, जैसा कि आप लोग भी बता रहे हैं कि इन लोग का जमानत खारिज हो गया, तो जो जैसा गुनाह करेगा उसे सजा मिलेगी। लेकिन जो पुलिस वाले जो गुनाह कर रहे हैं कानून के दायरे से बाहर जा करके, हम तो ये बात कर रहे हैं ना, बात कुछ को कुछ करने की का प्रयास किया जा रहा है, यही तो गलत हो जाता है। ऐसे एक नहीं कई मामले हैं। गाली गलौज का मामला संयोग से था कि उस व्यक्ति के घर में CCTV था, रिकॉर्ड हो गया। उसके पहले भी उसी पकरी बना थाने वाले इलाके के किसी गांव में की महिलाएं बता रही थी कि पुलिस वाले आए, दरवाजा तोड़े, गाली गलौज किए, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किए। सिरदला थाना का एक ऑडियो हमने सुनाया था आपको कि किस प्रकार एक महिला के साथ थाने में
मतलब वो गाली जो कि देना अशोभनीय किसी के महिला के लिए हो सकता है वो दिया गया था। वो महिला पीड़ित परिवार गई थी अपनी बेटी के साथ इंसाफ मांग ले, बेटी के सामने ही माँ को ऐसी की तैसी कर दिया गया था। वो ऑडियो भी मेरे पास था, सुनाया था हमने आप लोगों को इसके पहले के कभी वीडियो में जब बात आई थी। तो कोई नई बात नहीं है, पुलिस वाले गाली गलौज करते हैं, संजोग था कि ये एविडेंस साक्ष के साथ आ गया। अब कुछ भाई लोग हमारी जो खबर देख रहे थे कह रहे थे वीडियो ही फेक है। अरे भाई जब पुलिस उस पर स्पष्टीकरण दे रही है तो वीडियो फेक कैसे हो सकता है? बात समझ रहे हैं? समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष जलन नहीं रखते हैं। खबरें आती है तो खबर को हम लोग परोसते हैं, जो फैक्ट होता है वो लाने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमारी एसपी साहब से गुजारिश होगी कि लगातार पकरीबारामा थाना का इस प्रकार का कारनामा सामने आ रहा है। जितने भी एफआईआर इस प्रकार के विवादित हुए हैं, चाहे वो मांझी परिवार का मामला हो, 2 अक्टूबर वाली घटना, एर्री वाली मनीष मांझी की पत्नी जो मरी थी पटना क्लिनिक में जो गलत ऑपरेशन से, उसकी भी जांच कर लीजिए। एक बालू ट्रैक्टर के बारे में उनको बताया था ना किस प्रकार 10:48 चला नहीं कटा, 10:48 में इन लोगों ने एफआईआर भी कर दिया, जब्ती भी दिखा दिया। तो ये सब सारा कुछ जो वहाँ हो रहा है। एक और आपको हम बताए थे कि एक महिला ने हमसे बताई थी कि अपनी नाबालिग बेटी के मिसिंग का रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए हम थाना गए थे, तो हमको करीब करीब 18-20 घंटे थाना में बैठा करके रखा गया था, रात भर थाना में बैठा के रखा गया था, और उसके बाद मुक्त किया गया था। मुक्त करने के पीछे बहुत सारा कुछ ये हुआ था, हम कई बार आपको बता चुके हैं। अब आंख इसीलिए हम खबर की शुरुआत यहीं से किए हैं, शुरुआत ही हमारी खबर यहीं से है कि किसी के आंख मूंद लेने से पूरी दुनिया में अंधेरा नहीं हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। एक अपील कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चलते चलते एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि और भी बहुत सारी खबरें मेरे पास है जो हम अगले किसी वीडियो में लेकर आएंगे। नमस्कार।